नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज़ पर। जैसा कि आप जानते हैं कि अजय देवगन अभिषेक बच्चन के साथ एक और कोलैबोरेट कर रहे हैं, फिल्म है द बिग बुल। और हम एक बार एक जर्नी लेते हैं इनके कोलैबोरेशंस जो पहले हो चुके हैं उन पर। पिछला कोलैबोरेशन जो हमने इनका देखा था सक्सेसफुल, वो था बोल बच्चन, जहाँ पर कि वो 9 साल के बाद काम कर रहे थे एक साथ। ज़मीन में उन्होंने पिछली बार काम किया था, जहाँ पर ये दोनों व्यक्ति दिखाई दिए थे। उसके बाद ये दोनों बोल बच्चन में दिखाई दिए। यहाँ पर बाय द वे दोनों ही फिल्में जो हैं उसमें रोहित शेट्टी इन्वॉल्व थे। अमिताभ बच्चन जो थे, जब वो इन दोनों के साथ आए पर्दे पर, तो उन्होंने रिक्रिएट किया था अमर अकबर एंथनी का जो एग से निकलने वाला सीन था उनका, माय नेम इज़ गोंजाल्विस का, वो उन्होंने रिक्रिएट किया था। और उस फिल्म में जब असीन को आपने देखा, तो एक्चुअली उस फिल्म में असीन नहीं, पहले विपाशा बसु थी, बाद में जो है लिया गया असीन को। और अभिषेक बच्चन को जो है उस फिल्म के लिए बहुत दाद मिली थी, उनके करियर के वन ऑफ द मोस्ट अप्रिशिएटेड रोल्स में से एक है वो। यह फिल्म जो है उसे चोमू प्लेस के में शूट किया गया था। ये बहुत ही रिनाउंड एक महल है जयपुर का, और बहुत सारी जो है फिल्में वहाँ शूट हो चुकी हैं, जैसे भूल भुलैया वहाँ पर शूट हुई थी। और बड़ी बात क्या है कि पहली बार ऐसा हुआ था बोल बच्चन में कि रोहित शेट्टी और अमिताभ बच्चन ने ऑन स्क्रीन कोलैबोरेट किया था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस फिल्म में प्राची देसाई ने भी जो रोल किया था उसमें भी आपको एक दूसरी अदाकारा दिखाई देने वाली थी, जेनेलिया डिसूजा, लेकिन वो नहीं दिखाई दी और ये दिखाई दी। और बोल बच्चन जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ हद तक इंस्पायर्ड थी गोलमाल फिल्म जो थी ओरिजिनल ऋषिकेश मुखर्जी की उससे, लेकिन ये फिल्म अपने आप में बहुत ही यूनिक स्टोरी को बहुत ही यूनिक तरीके से प्रेजेंट करके लेके आई थी। आप कितने एक्साइटेड हैं बिग बुल को लेकर के लिखना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। और एक और काम था आपसे, आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।